सो फाइनली Amazon एंड Flipkart पर फिर से दो महीने के बाद सेल शुरू हो चुकी है। Amazon पर प्राइम डे सेल 20 और 21 तारीख को चलेगी। ICICI SBI के कार्ड पर डिस्काउंट मिलेगा, तो प्लीज उनको जरूर से अरेंज कर लेना। Flipkart पर GOAT ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सेल शुरू होने वाली है, 20 से 25 तारीख तक ये सेल चलेगी। और इधर HDFC, Axis, IDFC बैंक के कार्ड पर डिस्काउंट मिलेगा, तो इधर उनको अरेंज करके रख लेना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है ये है कि कुछ स्मार्टफोन्स में डेफिनेटली किलर डिस्काउंट है, तो उन फोन्स को पर्टिकुलरली आप परचेस कर सकते हो, जो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। लेकिन साथ ही मैं ये भी बताऊंगी कि कौन से फोन आपको बिल्कुल भी नहीं परचेस करने हैं इस सेल में। तो फिर बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले ऑन पॉपुलर डिमांड मैं यहां पर शुरुआत करने वाली हूं 25 to 30,000 वाले प्राइस सेगमेंट के स्मार्टफोन से। तो ऑब्वियसली ये फोन आज से पहले 30 के अबव या फिर 35-40,000 की प्राइस में मिलते थे, जो अब आपको अंडर 30,000 की प्राइस में मिलेंगे। तो इनमें जो सबसे पहला फोन मैं आपको बताने जा रही हूं वो आपको Amazon पर देखने को मिलेगा, और इसका प्राइस आज से पहले 35 या फिर उससे अबव भी गया हुआ है वैसे तो, उसमें मिलता था। फोन का नाम है IQ Neo 9 Pro, 30,000 की प्राइस में मिल जाएगा। यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट देखने को मिलेगा। मैंने इस फोन का अपने चैनल पर रिव्यू कंपैरिजन किया हुआ है, नहीं देखा एक बार जाके जरूर से चेकआउट करना। एक गेमिंग टाइप का ये स्मार्टफोन है, लेकिन इस फोन के कैमरास भी काफी फैंटास्टिक है। हाँ, टेलीफोटो लेंस वगैरह नहीं है, लेकिन 50 मेगापिक्सल का जो सोनी का सेंसर है वो अच्छा परफॉर्म करता है यहाँ पर। तो हाँ, आप चाहे परफॉर्मेंस हो, चाहे डिस्प्ले हो, चाहे मल्टीमीडिया हो, बड़ी बैटरी बैकअप चाहिए हो, आप इस फोन को आराम से 30,000 की प्राइस में परचेस कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको एकदम लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए, देन रियलमी GT60 इज द डिवाइस जिसने एक्चुअली मेरा काफी अटेंशन लिया, क्योंकि Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3 चिपसेट के साथ वो स्मार्टफोन आया है। और देखो, फोन जब लॉन्च हुआ था ना 33,000 अभी उसका प्राइस चल रहा है, लेकिन सेल में वो फोन आपको 29,000 की प्राइस में मिल जाएगा, सारा ऑफर डिस्काउंट। और Amazon पर एक और चीज होती है, ये दोनों फोन वैसे Amazon पर मिलेंगे, मैं Flipkart वाले फोन भी बताऊंगी बीच बीच में ही, लेकिन Amazon पर एक चीज होती है कि वहां पर ना कूपन डिस्काउंट भी होता है। तो प्लीज जिस भी फोन में कूपन डिस्काउंट लग रहा है ना 1,000-2,000 का, वो जरूर से अप्लाई कर लेना, तो आपको और भी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा बैंक ऑफर के साथ साथ। और ये फोन डेफिनेटली अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर भी कर्व डिस्प्ले है, एमोलेड पैनल है, और फोन के अंदर 5,500 mAh की बैटरी है। परफॉर्मेंस तो अच्छी है ही, मैंने Moto H 50 Pro के साथ इसको कंपेयर किया था, तो परफॉर्मेंस में तो डेफिनेटली इसने ओवरपावर कर दिया था। आप डेफिनेटली इस फोन की तरफ भी जा सकते हो अगर आपको एकदम लेटेस्ट स्मार्टफोन परचेस करना है आज की तारीख में। तो अभी देखो, जो दो फोन मैंने आपको बताया वो Amazon पर मिलेंगे, अभी Flipkart पर भी काफी फोन में अच्छा डिस्काउंट है। जैसे कि एक तो है Nothing Phone 2, जो कि काफी टाइम हो गया, मतलब एक साल तो आराम से हो चुका है इस फोन को लॉन्च हुए। जब लॉन्च हुआ था 44,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ था, अभी आपको वो फोन 30,000 की प्राइस में मिलेगा। वहां पर Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 चिपसेट है, ठीक है। तो मैं मतलब उसको बताने को थोड़ा सा डाइसी हूं। अगर आपको Nothing एज अ ब्रांड पसंद है, नीट एंड क्लीन UI आपको चाहिए, ग्लिफ इंटरफेस चाहिए, थोड़े से यूनिक लुक चाहिए, देन डेफिनेटली अच्छे डील आप परचेस कर सकते हो। इसके अलावा Moto H 50 Pro, देखो ये फोन ना लॉन्च हुआ था 32-33,000 की प्राइस में, 30 में तो वैसे इजिली मिल जाता है, लेकिन सेल में आपको ये फोन 28,000 की प्राइस में मिलेगा। और उस हिसाब से लेटेस्ट फोन को अगर देखा जाए जो इतनी सस्ती प्राइस में मिल रहा है, तो डेफिनेटली जा सकते हो आप फोन की तरफ। चिपसेट से बहुत ज्यादा उम्मीद है मत रखना, क्योंकि Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 एक नॉर्मल सा प्रोसेसर है, लेकिन फोन के कैमराज अच्छे हैं, क्योंकि टेलीफोटो लेंस वगैरह भी यहाँ पर दे रखा है। एक कमी मुझे लगी थी कि बुके में वीडियो नहीं शूट कर पाते हैं, तो अगर आपको वीडियोज रिकॉर्ड करना प्रायोरिटी है, तो रियलमी GT60 मैंने आपको बताया ही, उसमें वो भी अच्छा है, वीडियोज वगैरह वहां पर भी अच्छे रिकॉर्ड होते हैं, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। मैंने कैमराज के लिए दो फोन बता दिया, परफॉर्मेंस के लिए फोन बता दिया, और इन जनरल एक बैलेंस फोन चाहिए तो मैंने आपको वो भी बता दिया। नेक्स्ट अब बात करेंगे 20,000 से लेके 25,000 वाले स्मार्टफोन सेगमेंट के बारे में। यहां पर ना देखो, बहुत ऐसे कोई तगड़ा टाइप का डिस्काउंट नहीं है, मोस्टली फोन में तो बैंक वगैरह का ऑफर लग के ही डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आपको अभी बहुत जल्दी नहीं है ना फोन परचेस करने की, इन जनरल मैं बता रही हूं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी जो दिवाली दशहरा वाला टाइम आता है ना, उस तक का इंतजार करो। वहां पर जो सेल आती है उनमें एक्चुअली में बहुत ही किलर डिस्काउंट होते हैं। यहां पर है मतलब सारे बैंक में ऑफर वगैरह चल रहा है, तो हर कोई फोन परचेस कर सकता है उस हिसाब से, मतलब ठीक सेल है, लेकिन बड़ी सेल अभी आना बाकी है। बट स्टिल जिन फोन में ऑफर था वो तो बता ही देती हूँ। OnePlus Nord C4 25,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ था। यूजुअली ये फोन का प्राइस वैसे डाउन जाता नहीं है, लेकिन ये फोन अभी आपको 22,000 की प्राइस में मिल जाएगा। अच्छा फोन है, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 चिपसेट के साथ देखने को मिल रहा है, 5,500 mAh की बैटरी है, 100W का चार्जर है, कैमराज वगैरह अच्छे देखने को मिल रहे हैं, बिल्ड अच्छी है, तो ऐसे कोई कंप्लेंट मुझे इस फोन से है नहीं। मैंने काफी ज्यादा इस फोन को सजेस्ट भी किया था, पिछले सेल में भी मैंने इस फोन को 22,000 की प्राइस में रिकमेंड किया था, लेकिन अभी सीन क्या हो गया है ना कि इससे
बेटर डिवाइस लॉन्च हो चुके हैं। तो अगर आपने ये परचेस कर लिया है या फिर आप परचेस करने का सोच रहे हो तो आप रिग्रेट नहीं करोगे, लेकिन इससे बेटर फोन मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं मैं वो बताना चाहती हूँ, जैसे कि मोटो एच 50 फ्यूजन 21,000 की प्राइस में मिल जाएगा। कोई डिस्काउंट वगैरह ऐसा है नहीं, क्योंकि 23,000 में तो लॉन्च हुआ है यार, और 1,000-2,000 का तो वैसे भी बैंक वगैरह का डिस्काउंट मिलता रहता है। उससे बेटर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बिल्ट अच्छे, कैमराज उससे ज्यादा बेटर देखने को मिल रहा है, बैटरी बैकअप भी आपको ज्यादा बेटर देखने को मिल जाएगा, 5,000 mAh की बैटरी है उसके बावजूद भी। चार्जर आपको थोड़ा छोटा देखने को मिलेगा, लेकिन कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले वगैरह देखने को मिल रही है। चिपसेट भी थोड़ा उससे लेस पावर वाला है, मतलब क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 चिपसेट यहाँ पर दे रखा है, लेकिन आई डोंट थिंक सो अगर आप इस प्राइस रेंज में इस तरह के फोन परचेस कर रहे हो तो परफॉर्मेंस आपकी कभी भी प्रायोरिटी है। परफॉर्मेंस अगर प्रायोरिटी है तो उसके लिए डेडिकेटेड फोन डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी, लेकिन हाँ ये उससे ज्यादा बेटर फोन है। अगर आपको नॉट सी 4 बराबर जितनी भी परफॉर्मेंस चाहिए ना, तब भी मैं बोलूंगी नथिंग फोन 2 ए उससे ज्यादा बेटर मुझे लगा है परफॉर्मेंस के मामले में भी, क्योंकि उधर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रो चिपसेट देखने को मिल रहा है और अच्छा परफॉर्म करता है जब से नथिंग ने अपडेट वगैरह दी है। तो 24,000 का था नथिंग फोन 2 ए और अभी आपको सेल में 20,000 में मिल जाएगा। तो बेसिकली बात यह है कि ये दोनों फोन मोटो एच 50 फ्यूजन और नथिंग फोन 2 ए आपको OnePlus Nord C4 से सस्ते भी मिलेंगे और कहीं ना कहीं उससे ज्यादा बेटर कैमरास परफॉर्मेंस यहाँ पर बिल्कुल कंपेरेबल है नथिंग फोन 2 ए में तो, और प्लस इसके लुक्स वगैरह भी थोड़े ज्यादा स्टाइलिश है, बैटरी बैकअप भी उससे ज्यादा सॉलिड मुझे यहाँ पर देखने को मिला है। तो बेसिकली हाँ बात यह है कि ये दोनों ज्यादा अच्छे ऑप्शन मुझे नजर आ रहे हैं। बाकी हाँ, नॉट सी 4 बुरा ऑप्शन नहीं है, अगर आप ये सोच रहे हो तो किसी ने परचेस कर लिया है, करने का मन है तो आप डेफिनेटली उसको भी चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर आपको कैमरास के लिए स्पेसिफिकली फोन चाहिए तो रियलमी 12 प्रो इज द ऑप्शन गाइस। 20,000 की प्राइस रेंज में आपको टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाएगा। जब लॉन्च हुआ था आई गेस 25,000-26,000 की प्राइस में मिलता था। अभी आई नो रियलमी 13 प्रो सीरीज लॉन्च होने जा रही है, इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये फोन सस्ता हो चुका है। चिपसेट से तो उम्मीद है मत ही रखना, क्योंकि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 बहुत ही एवरेज टाइप का प्रोसेसर है, लेकिन ओवरऑल कैमरास के लिए और बैलेंस फोन के हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग काफी जबरदस्त है। बाकी परफॉर्मेंस अगर प्रायोरिटी है तो फिर यार ये सब क्यों, फिर तो पोको X6 प्रो ले लो ना, वहां पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा चिपसेट आपको देखने को मिल जाएगा। 27,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ था, लेकिन जब भी सेल आती है, मतलब ये पहली बार नहीं है जहां पर ये फोन 23,000 की प्राइस में मिलेगा, इससे पहले भी ये फोन 23,000 की प्राइस में जा चुका है। 1.5K रिजोल्यूशन वाली एमोलेड डिस्प्ले आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। बैटरी एंड चार्जिंग डिपार्टमेंट में जब मैंने फोन यूज किया था तो मुझे वहां पर थोड़ी दिक्कतें आई थी, मतलब बैटरी फास्ट ड्रेन हो रही थी, लेकिन मुझे काफी लोगों ने कमेंट्स में बताया था कि उनको नहीं आ रही है, तो हो सकता है वो यूनिट स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो। कैमरा से बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखना, मतलब एवरेज टाइप के कैमरास आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन परफॉर्मेंस में डिसअपॉइंट डेफिनेटली नहीं होगा इस फोन से। खैर अभी बढ़ते हैं, अगर बात करते हैं 15,000-20,000 वाले प्राइस सेगमेंट के बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा मन कर रहा है थोड़ा सा फ्लैगशिप को टच करते हैं, क्योंकि वहां पर एक्चुअल में डिस्काउंट वाले डिस्काउंट है, जैसे कि फ्लैगशिप सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा जो कि यूजुअली 90,000-95,000 की प्राइस में लिस्टेड रहता है, वो फोन आपको इस सेल के टाइम पर 75,000 की प्राइस में मिल जाएगा। डेफिनेटली इसको बोलते हैं डील और इसको आप डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। बाकी इसके अलावा सैमसंग गैलेक्सी S24 आई डोंट नो, मतलब ये तो लेटेस्ट जनरेशन का फोन है, मुझे नहीं पता उन्होंने डील रिवील करी है या फिर नहीं, क्योंकि मुझे मिली नहीं है, लेकिन इस फोन में मैं अभी ही देख पा रही हूँ कि 10,000 का तो कूपन डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है 4,000-5,000 के बीच का बैंक का ऑफर लग जा रहा है। तो ये 75,000 का फोन आपको अंडर 60,000 की प्राइस में मिलेगा, डेफिनेटली अ किलर डील, इसको भी ग्रैब किया जा सकता है। OnePlus 12 के साथ क्या सीन है ना, जब लॉन्च हुआ था 65,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ था, अभी आई गेस 53,000 की प्राइस में मिल रहा है, अच्छी डील है डेफिनेटली, किसी को अगर लग रहा है कि जाना चाहिए जा सकते हो। लेकिन पता है क्या, मेरे को मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद ये फोन ना जो आने वाली सेल है और भी इससे बाद वाली सेल, उसमें शायद ये फोन और भी ज्यादा सस्ता जाएगा, तो थोड़ा रिस्क वाला चीज है, मतलब मैं तो थोड़ा डाइसी हो रही हूँ। आप थोड़ा रिस्क लेना चाहो तो इंतजार कर सकते हो नेक्स्ट सेल तक का, क्योंकि अगर इससे सस्ता नहीं गया तो इस प्राइस में तो आएगा ही नहीं यार, तो मतलब ऐसे कोई अभी से इसको ग्रैब करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इंतजार कर सकते हो अगर कर सकते हो तो, आपके पास टाइम है, आपको इमरजेंसी नहीं है उस हिसाब से। तो बाकी OnePlus 12R की तरफ मेरे को पता है काफ़ी सारे लोग अट्रैक्ट होंगे। देखो OnePlus 12R से अभी भी मैं काफ़ी सारे वीडियोस में जो आप मेरी सेल्फी शूट करते हुए देखते हो वो इस फोन से शूट होती है। मुझे तो ये फोन बहुत ही क्लासी लगता है, क्योंकि इसकी बिल्ट अच्छी है, इसके कैमराज अच्छे, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिल जाती है, अपडेट टाइम पर देखने को मिलते हैं। तो ये फोन ना क्या 8 128 GB वेरियंट आपको 40,000 में मिलता था, ठीक है, अभी सेल में पहली बात तो एक नया कलर लॉन्च कर रहे हैं, और ये 8 256 GB वेरियंट आपको 40 में मिलेगा, ठीक है, तो उस हिसाब से अच्छा है, और साथ ही में बड्स भी फ्री मिल रहे हैं। तो हाँ, ये एक ऐसी चीज है जिसको मेरे को लगता है कि हाँ सही है, डेफिनेटली परचेस किया जा सकता है अगर करना चाहते हो तो। बाकी आईफोन 15 और आईफोन 13 पहले बता देती हूँ, उसमें है ना वो 48,000 की प्राइस में मिल रहा है अमेज़न की सेल पे, मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, ठीक है, मतलब आज की डेट में आईफोन 13 को मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, आईफोन 14 सीरीज को भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, मतलब मेरे को लग रहा है अगर आपको आईफोन परचेस करनी ही है तो थोड़ा सा हो सकता है तो बजट एक्सटेंड करो, आईफोन 15 तक एटलीस्ट पहुंचो। आईफोन 15 आपको अभी 63,000 की प्राइस में
मिल जाएगा, अच्छा ऑफर है, डेफिनेटली जा सकते हो। और मैं क्यों आईफोन 14, 13 नहीं सबको रिकमेंड नहीं करती, क्योंकि यार टाइप सी वगैरह नहीं दे रखा है, और यहाँ पर जिस तरह के फीचर, जिस तरह की बिल्ड वगैरह देखने को मिल रही है, जिस तरह का बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है, वो प्रीवियस जनरेशन से डेफिनेटली एक स्टेप अहेड हो चुका है। तो अगर आपका बजट मतलब आईफोन तक का नहीं बन पा रहा है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कोई अच्छा एंड्रॉयड फ़ोन ले लो। लेकिन हाँ, अगर आपने हमेशा से आईफोन यूज़ किया है, तो फिर आप अपने हिसाब से कुछ अच्छा ऑफर ढूंढना। चलो अब फाइनली आते हैं 15-20,000 वाले प्राइस सेगमेंट पर। देखो बहुत क्राउडेड लग रहा है मुझे ये सेगमेंट, लेकिन मैं आपको सिर्फ तीन पर्टिकुलर ऑप्शंस ऐसे बताऊंगी जो मुझे लगता है बिल्कुल किलर डील है, ठीक है। पहला तो है रियलमी नार्जो 70 प्रो। जब लॉन्च हुआ था तो 20,000 उसके अबाउ तक की प्राइस में भी ये फोन मिलता था, लेकिन अभी इस सेल में आपको 15,000 की प्राइस में मिल जाएगा, डिस्काउंट वगैरह, कूपन वगैरह सब कुछ लगा के। तो ये आप देख लेना। और मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 एक अच्छा प्रोसेसर है यार, ठीक है। एमोलेड डिस्प्ले के साथ फोन देखने को मिल रहा है, ग्लास बिल्ड देखने को मिल जाता है आपको फोन में, ठीक है। सोनी का कैमरा सेंसर दे रखा है विद OIS, तो ओवरऑल फीचर रिच स्मार्टफोन, डेफिनेटली जा सकते हो। इसके अलावा देखो, मैंने कभी नहीं इमेजिन किया था कि 15-20,000 की प्राइस में आपको एक तगड़ा जो लेटेस्ट गेमिंग फोन लॉन्च हुआ है वो भी मिल पाएगा। मतलब Infinix GT20 Pro जो कि 24,000 की प्राइस में लॉन्च हुआ था, मैंने 24,000 में भी एक्चुअली में उसको रिकमेंड किया है, क्योंकि मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 चिपसेट है, ठीक है। एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, लुक्स एकदम किलर है, 108 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन UI, तो 24,000 में भी बुरी डील नहीं थी। लेकिन फ्लिपकार्ट की सेल में रिवील हो रहा है कि ये फोन आपको 18,000 की प्राइस में मिलेगा। अभी फ्लिपकार्ट पर जब इस तरह की डील रिवील होती है ना, मेरा भरोसा उठ जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे ही तो डायरेक्टली इतना ऑफर नहीं दे देंगे, जरूर से यहाँ पर कुछ एक्सचेंज बोनस वगैरह उन्होंने इंक्लूड करके रखा होगा। तो थोड़ा सा कैच होता है फ्लिपकार्ट की डील्स के साथ। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर ये फोन आपको 20-21,000 तक की प्राइस में भी मिल रहा है ना, और आपको गेमिंग फोन चाहिए इस प्राइस सेगमेंट में, तो डेफिनेटली आप इस फोन को ग्रैब कर सकते हो, यहाँ पर अच्छा स्मार्टफोन है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको एक और फोन मैं बताऊं जो कि बैलेंस्ड फोन की कैटेगरी में आता है, वो है वीवो T3। ये फोन 20,000 की प्राइस में मिलता था, और ये फोन आपको सेल में 17,000 की प्राइस में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 7200 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ये प्रोसेसर याद है आपको, मैंने 22-25,000 वाला जो सेगमेंट था उसमें बताया था, ठीक है, और वहां पर बोला था ये अच्छा प्रोसेसर है, और ये आपको 17,000 की प्राइस में देखने को मिलेगा। और इस फोन के कैमरास भी अच्छे हैं, इसके बिल्ड भी अच्छी है, बैटरी चार्जिंग डिपार्टमेंट भी काफी डिसेंट है, तो ओवरऑल काफी बैलेंस टाइप का स्मार्टफोन है। 17,000 की प्राइस में आप इसको भी यहाँ पर ग्रैब कर सकते हो। अच्छा देखो, जितने भी अच्छे डिस्काउंट ऑफर वगैरह देखने को मिल रहे थे, मैंने सब कुछ आपको यहाँ पर बता दिया। मैक्सिमम फोन के मैंने खुद ने रिव्यूज कंपैरिजन वगैरह किए हुए हैं, वो आप एक बार चैनल पर जाकर देख लेना, रील शॉर्ट्स भी बनाया है वैसे तो मैंने। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर से करिएगा, बाकी तो हम लोग मिलते हैं यार हमारे नेक्स्ट वीडियो में।